बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय जैक आर मेरेडिथ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द प्रोजेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे कि वो प्रोजेक्ट्स किस किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि उन प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सो लेट्स सी, पहला जो फिनोमेना हमें नजर आता है वो है प्रोजेक्ट ग्रोथ का। दैट व्हाट वी सी इज इन द रीसेंट टाइम्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूटिलाइजेशन पहले से कहीं ज्यादा नजर आती है। सो देयर आर सम रीजंस व्हिच हैव बीन गिवन जो कि प्रोजेक्ट ग्रोथ की रीजनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। पहली चीज तो ये है जी, हमारे पास नीड फॉर स्पीड। सो ये किसी मूवी का नाम तो नहीं है, यहाँ पर हम नीड फॉर स्पीड अपने डिफरेंट प्रोसेसेस के हवाले से बात कर रहे हैं कि हमें जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, चाहे वो प्रोडक्ट डिज़ाइन में चेंजेस आ सकती हैं, या प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं और मार्केटिंग एक्टिविटीज़, वी नीड अ स्पीड इनटू इट, बिकॉज हम वो कंपेटिटिव एडवांटेज अगर हम काम को जल्दी और टाइम पे नहीं पूरा कर सकते तो कभी नहीं ले पाते। इसकी एक और रीज़न मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस भी है कि जो मार्केट में हमें प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, चीज़ें हैं या चेंजिंग नीड्स ऑफ द मार्केट है, अगर हमने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया इन अ रियल टाइम तो शायद हम वो कंपेटिटिव एज भूल जाते हैं, नहीं ले पाते। एंड देन प्रोडक्ट्स हैव बिकम मोर फ्लैक्सीबल इन देयर नेचर। तो उनकी इस फ्लैक्सीबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है एक सोल्यूशन के तौर पर नज़र आती है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रीज़न ऑफ ग्रोथ इन द प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा जी, नीड फॉर ब्रॉडर एरियाज ऑफ नॉलेज इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो नॉलेज एक्सपेंशन एक रिक्वायर्ड है, और हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट को जब डिफाइन करते हैं तो भी हमारे सामने ये चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आती है कि एट टाइम आपको न्यूअर एरियाज ऑफ नॉलेज नज़र आते हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज इंटीग्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। सो उस हवाले से ब्रॉडर एरिया ऑफ नॉलेज जो है प्रोजेक्ट स्किल्स की सूरत में आपके सामने एक सोल्यूशन के तौर पे नज़र आते दिखाई देते हैं। देन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनदर रीजन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है, इट हैज़ चेंज एवरी फंक्शन। इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो रिसर्चेज हुई और नए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थी, उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स हमें प्रोवाइड कर दिए जो कि शायद पहले वक्त में पॉसिबल नहीं थे। तो वो जो टूल्स एंड टेक्निक्स अगर हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो भी हमारे लिए प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म करना बेहतर है। जैसे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है MS प्रोजेक्ट, सो इट इज़ अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट। सो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आती हैं, वन सिंपल एग्जाम्पल। एंड देन मैनेजमेंट इन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, ये भी एक रीज़न है कि हम चीज़ों को प्रोजेक्ट की सूरत में करने लग पड़ते हैं। कि जब जनरल सेंस में हम मैनेजमेंट को अप्लाई करते हुए दिखाई देते हैं और जब लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं तो हम उसको मैनेज नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम उसको स्मॉल सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रही है प्रोडक्ट के, तो उसको हमने प्रोजेक्ट में डाल दिया, या हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग को प्रोजेक्ट में डाल दिया। सो इसका मतलब है हम चीज़ों को सेग्रीगेट करके ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये तो होगी प्रोजेक्ट ग्रोथ। अभी देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इशूज़ क्या हैं दैट आर रिलेटेड विद द प्रोजेक्ट। कुछ सवाल से आप कह लें कि हम अगर उनके आंसर्स की बात करें तो शायद हम इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या हो सकते हैं। पहली चीज़, हाउ टू टाइप प्रोजेक्ट टू पेरेंट फर्म। पेरेंट फर्म कौन सी है जी? वो फर्म जो कि उस एक्टिविटी को बेसिकली परफॉर्म कर रही है, और उस पेरेंट एक्टिविटीज़ जो पेरेंट फर्म की परफॉर्म हो रही हैं उसके साथ हम प्रोजेक्ट को कैसे टाई अप कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी नॉर्मल फंक्शनैलिटी तो चलेगी, इसके साथ साथ हमें चीज़ों को एज अ बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट भी लेके चलना पड़ सकता है। तो वो कैसे करेंगे, इसका जवाब अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस भी करते हैं, जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास आएंगे। दूसरा सवाल हमारे पास आता है, हाउ टू ऑर्गेनाइज द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को तरतीब कैसे देना है, उसकी तंजीम कैसे की जाएगी, व्हाट एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म बाय होम, हु विल बी हेडिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, उसकी टीम क्या होगी, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज कौन कैसे परफॉर्म करेगा। एंड देन हाउ टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज कॉमन टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। सो अगर हमारे पास ये इस वक्त तीन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ए बी और सी, और ये एक्स एक्टिविटी ए में भी आती है, बी में भी आती है और सी में भी आती है,
अब ये ऑर्गेनाइजेशन एक्स एक्टिविटी कर तो रही है, तो वो प्रोजेक्ट ए में एक्स को कैसे करेगी, बी में कैसे करेगी और सी में कैसे करेगी? क्या उसके लिए सेपरेट इक्विपमेंट मशीनरीज यूज़ की जा सकती हैं, या सेपरेट लोगों को यूटिलाइज किया जाएगा, या हम ऐसे समझते हैं कि इसको एक तरतीब से अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट कि कब वो एक्टिविटी चाहिए है तो हम एक सेपरेट टीम के थ्रू तमाम प्रोजेक्ट्स में उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं? सो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। ये जो जितने भी हमने सवाल किए हैं ना, ये सारे क्या हैं, अगेन सेइंग ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, कि हमने प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाना है। अब हम इसके सॉल्यूशंस, इसके आंसर्स की बात करते हैं, तो वो हमारे सामने आती हैं कि हमारे पास ये कुछ ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोजेक्ट। सो इसको हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हम किस स्ट्रक्चर को ले सकते हैं। सो ट्रेडिशनल फॉर्म जो आपको नजर आती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो है, एक कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, प्रोजेक्टाइज्ड, या इसको हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं एट टाइम, ये अगर आपको वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। देन हमारे पास आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एंड देन कंपोजिट स्ट्रक्चर। सो ये ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास एज अ सॉल्यूशन या एज अ पॉसिबिलिटी जो हमें नजर आती है। सो अब वन बाय वन इनको थोड़ा सा असेस करने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेडिशनल फॉर्म्स क्या हैं। सो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं जी प्रोजेक्ट इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एक हल्का सा व्यू ले लेते हैं इसका, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। चलें ये पांच ही हम बनाते हैं। एक फंक्शन हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, दूसरा हम कर लेते हैं जी मार्केटिंग का, तीसरा हम कर लेते हैं अकाउंटिंग का, चौथा हम कर लेते हैं फाइनेंस का, और देन प्रोडक्शन का, चले इतने ही काफ़ी हैं। एंड देन एचआर के नीचे ये कुछ और लोग काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के नीचे आपको ये डिफरेंट रीजन्स नज़र आ गए और फिर फर्दर आ गया। सो आई कैंट मेक इट अ कंप्लीट हायरार्की, लेकिन जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बना देता हूँ, और ये फिर फर्दर आगे हायरार्की चल रही है। अब ये एग्जांपल किसकी है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज फंक्शनल इन इट्स नेचर, इसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब हम प्रोजेक्ट्स को ऐड करने जा रहे हैं इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर स्ट्रक्चर मिलता जुलता है इन फंक्शंस की बेस के ऊपर आपको नजर आ रहा है, तो वहां पे हम प्रोजेक्ट्स को किस अंदाज में कर सकते हैं। सो पहला हमारे पास जो एस्पेक्ट नजर आता है वो ये है कि मेक इट अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द फंक्शनल डिविजन्स, ठीक है, यानी हम प्रोजेक्ट को क्या करें, एक पार्ट बना दें किसी भी फंक्शनल एरिया का। लाइक एचआर से रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट है तो वो इसका पार्ट बन जाए, मार्केटिंग से रिलेटेड इसका बन जाए, अगर अकाउंटिंग फाइनेंस का है या प्रोडक्शन का है तो इसका एक पार्ट बन जाए। इसको थोड़ी देर बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो एक डायग्राम की सूरत में और क्लियर करते हैं। सो मोर देन वन चॉइस में एग्जिस्ट, हम फंक्शनल एरिया में उसको रख सकते हैं और हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं कि कहाँ पे उसको हमने प्लेस करना है। ये डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल। सो If support from other areas is needed, they are expected to help support the project. तो ये अगर हमें different areas से इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम different areas से support हासिल कर सकते हैं। Like वो manual support हो सकती है in context of human resource, या फिर हमें equipment, machinery, any type of help can be gathered. दूसरा तरीकाकार हमारे पास ये आ जाता है to assign the work to all divisions with the top management overseeing the effort. ये दूसरा तरीकाकार है जिसमें हम work को assign कर देते हैं और top management जो है वो तमाम जो work activities है divisions में जहाँ जहाँ perform हो रही है उसकी efforts को oversee कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक example बन गई project in a फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये ट्रेडिशनल फॉर्म में जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक डायग्राम आती है। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए साइज में इंक्रीज करता हूँ ताकि हमारे लिए इसकी विजिबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाए और हम इसको बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकें। सो ये हमारे पास एक डायग्राम बनी है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये जी हमारे पास ये टॉप मैनेजमेंट आ गई, फिर इसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन मेडिकल सेंटर एट्सेट्रा। और फिर अगर हम निचली हायरार्की में देखते हैं तो ये हमें थोड़ा सा ये कट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन से, ये जी
ये बेसिकली एक यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट एंड डीन ऑफ द ग्रेजुएट स्टडीज एंड देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंस एंड ट्रेडर और एट्सेट्रा, ये डिफरेंट बिजनेस अफेयर्स के आपको ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। सो इसी एग्जाम्पल को अगर हम लेते हुए आगे चलें तो हम किसी भी स्पेसिफिक, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना जा रहे हैं तो उसका पार्ट बन सकता है या यहाँ का पार्ट बन सकता है, और देर माइट बी अ लीगल एस्पेक्ट अगर आपको नज़र आता है तो यहाँ का फॉर्म बन सकता है। तो ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल फॉर्म आ गई किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से। इसको अगर हम एक और सिंपल अंदाज में यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो मैं आपके लिए छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। फॉर इंस्टेंस इफ इट्स अ रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका विंग आ गया और ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आ गया। सो इफ इट्स अ लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट, ये आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लोग ऑफिसर है, ये आपका ट्रेनिंग मैनेजर आपको नजर आ रहा है, ये आपका कंपनसेशन मैनेजर नजर आ रहा है। अब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के अंदर आप इसी को फॉर इंस्टेंस हेड बना देते और उसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने प्रोजेक्ट टीम बना दी जो कि स्पेसिफिकली इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को देख रही है। तो ये प्रोजेक्ट जो परफॉर्म हो रहा है दैट इज विद इन अ फंक्शनल एरिया ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसी को थोड़ा सा और देखें तो फर्स्ट करें ये मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है और ये आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज चल रही हैं, यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग की एक्टिविटी है और इसके नीचे हमने ये डिफरेंट लोग बना दिए, क्रॉस फंक्शनल टीम बना दी और ये प्रोजेक्ट टीम है जो इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए है। सो हमारे पास ये चॉइस बनती हुई नज़र आती है जब हम ट्रेडिशनल फॉर्म में प्रोजेक्ट को इंक्लूड करना चाहते हैं। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज ऑफ स्टाफ, हमने जहां जैसे जरूरत पड़ती थी स्टाफ को मॉडिफाई किया और उसकी जरूरत को पूरा कर लिया। दूसरा, एक्सपर्ट्स कैन बी यूटिलाइज्ड बाय मेनी डिफरेंट प्रोजेक्ट, सो इस वक्त एक बंदा इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और फिर जब दूसरे प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ी तो वो उधर मूव कर गया, सो ही माइट बी प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी टू बोथ द प्रोजेक्ट्स, तो हमारे पास एक्सपर्टाइज उनसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी यूज हो सकती है। देन स्पेशलिस्ट्स जो हैं वो भी ग्रुप कर किए जा सकते हैं टू शेयर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, के हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में हैं उसमें एचआर के लोग भी हैं, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, आपके ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, तो जिस किस्म की स्पेशलाइजेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है उस नॉलेज और एक्सपीरियंस को हम वहाँ से हासिल कर सकते हैं। देन जी फंक्शनल डिवीजन सर्व्स एज अ बेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल कॉन्टीन्यूटी, जो आपके फंक्शनल एरियाज काम करते हुए नज़र आ रहे हैं वो आपके लिए टेक्नोलॉजी की एक हब के तौर पे भी काम करते हुए नज़र आते हैं कि एनी टाइप ऑफ हेल्प रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी इफ़ रिक्वायर्ड तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में वो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। देन फंक्शनल डिवीजन कंटेन्स द नॉर्मल पाथ ऑफ एडवांसमेंट, अब जितने भी लोग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और वो फंक्शन के एरिया के बीच में उस प्रोजेक्ट के पार्ट होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस वहीं पे होगी और उसी परफॉर्मेंस की बेस पे अप्रेजल्स होंगे और उसी अप्रेजल की बेस के ऊपर उनको प्रमोशंस वगैरह मिलती हैं, तो उनका एडवांसमेंट पाथ जो है ना वो उसी फंक्शनल एरिया के साथ नज़र आता है आपको। देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो एसोसिएटेड विद इट, दैट इज़ फर्स्ट कि क्लाइंट जो है वो आपकी एक्टिविटी का फोकस नहीं होता बिकॉज आप विद इन द फंक्शनल एरिया उसके काम को लेकर चल रहे होते हैं, सो क्लाइंट के ऊपर उस तरह से फोकस इतना ज़्यादा नहीं किया जाता जिसके लिए ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आप अपने पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। फंक्शनल यूनिट्स टेंड्स टू बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स द एक्टिविटीज ऑफ दैट पार्टिकुलर फंक्शन, एक बंदा एचआर के फंक्शन में भी काम कर रहा है और उस प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा अपने मेजर फंक्शन की तरफ होगी क्योंकि प्रोजेक्ट एक टेम्पररी एक्टिविटी हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है। किसी इंडिविजुअल के पास फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सो हम ब्लेम गेम जो है वो खेल सकते हैं कि मेरे हाथ में तो ये चीज़ है ही नहीं थी, सो एट टाइम ये जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका ना होना किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। देन रिस्पॉन्स टू क्लाइंट नीड्स इज स्लो एंड ऑडियस, मीन्स अब ये हमने पहले में भी देख लिया कि क्लाइंट जब फोकस नहीं है तो क्लाइंट की जो मॉडिफिकेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, चेंजेस हैं वो उस तरह से नहीं हो पाती और स्लो रिस्पॉन्स उसको मिल सकता है, और टेंडेंसी टू सब ऑप्टिमाइज द प्रोजेक्ट, यानी प्रेफरेंस हमारे पास क्या चला गया जी, फंक्शन
और दूसरी इंपॉर्टेंस किसको मिल रही है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस सब ऑप्टिमाइज्ड किसकी प्रोजेक्ट की तरफ जा रही होती है, तो ये भी एक नुकसानदेह हो सकता है प्रोजेक्ट के गोल्स के लिए। मोटिवेशन टेंड्स टू बी वीक, सो मैं अगर काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर बट मेरी सैलरी इंक्रीमेंट्स और चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर एसोसिएट मेरे नॉर्मल फंक्शनल एरिया में काम करते हुए हो रही हैं, तो मेरी तवज्जो उस तरफ होगी और जो रिवॉर्ड्स और चीज़ें हैं वो भी उसी से रिलेट करती हैं, तो एट टाइम मोटिवेशन कम हो सकती है लोगों की प्रोजेक्ट में काम करते हुए। और आखिरी इसका जो एस्पेक्ट आता है, होलिस्टिक अप्रोच टू द प्रोजेक्ट इज नॉट फैसिलिटेटेड। होलिस्टिक हम इसको कहते हैं, ये देखें ये पार्ट है, आप इन सब चीज़ों को हम एक साथ अगर कंसिडर कर रहे हैं तो हमने कौन सी अप्रोच रखी, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, दैट इज द होलिस्टिक अप्रोच। तो वहाँ यहाँ पर हमारे सामने इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोचेस तो नज़र आ सकती हैं लेकिन होलिस्टिक अप्रोच हमें उस तरह से रन होती हुई नज़र नहीं आती। सो अपने लेक्चर को यहाँ पे इस बल्ले को ख़त्म करते हैं जहाँ पे हमने देखने की कोशिश की है कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती हैं। चार हमने देखी, फंक्शनल, प्रोजेक्टाइज्ड, मैट्रिक्स, कंपोजिट। सो इस लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट्स इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। सो इसके से हट के जो आपका क्वेश्चन बनते हैं तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू आंसर दोज। सो Have a nice time. Thank you very much for watching this lecture. Allah Hafiz.